हेलो स्टूडेंट्स, तो यार बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी है कि भैया जो है फॉर्म जो है कैसे फिल करें, मास्टर एंड साइंस एंड एप्लीकेशन जो भी है एमटेक का। तो मैं आपको जो है फिल करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको फिल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। एंड दिस फॉर्म इज फिल्ड बाई डॉक्टर कमल किशोर सैनी। तो जस्ट आपको जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, देन जो आपको यहाँ पर नाम डालना है, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ एंड मोबाइल नंबर डल ही गए, देन मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एंड फिर से पासवर्ड, पॉज कर देता हूँ एक बार वीडियो को। सो गाइस, जो है मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा फिल कर दिया, क्रिएट यूजर पर क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं क्रिएट यूजर पर क्लिक किया, देन जो है मेरा जो है नंबर जनरेट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। ये जो नंबर है इसको आप कॉपी कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने आप डल चुका है, जैसे कि यार नहीं डल रहा ये। जो है मैंने यहाँ से ये जो नंबर उठा के इस पर डाल दिया, पासवर्ड मैंने भर दिया है। अब कैप्चा मैं भर देता हूँ, जैसे PODIATRY, लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए मेरे पास, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, तो प्रोफाइल रजिस्टर कर देता हूँ IIST में अपना। तो जस्ट यहाँ पे दे रखा है कि जस्ट आप ये करिए, तो कंटिन्यू पे करता हूँ मैं। कंटिन्यू पे जाने के बाद फिर से बहुत सारे मार्क्स वगैरह आ गए, बढ़ता हूँ मैं सारे के सारे। तो गाइस, जो है मैंने इंफॉर्मेशन डाल दी, जैसा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, मैंने मेरा मैरिटल स्टेटस डाल दिया, ये आप जरूर ध्यान रखें, सिंगल हूँ मैं। देन जस्ट जो पेरेंट और जो भी है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर, हिंदू, OBC, राजस्थान, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, सीकर है, फैमिली इनकम मैंने डाल दी है, देन जस्ट ओके नेक्स्ट पे करता हूँ। आधार कार्ड नंबर भी आप डाल दें। तो अब मैं एड्रेस डाल देता हूँ अपना। तो गैस ये भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। देन अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन फिर से आ रहा है इन्फॉर्मेशन, ये भी भरते हैं हम। ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है, जैसा कि करंट एजुकेशन स्टेटस, यानी कि आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है या नहीं कर दिया है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी फोर्थ ईयर में होंगे या फिर सेवन सेमेस्टर, एट सेमेस्टर में ट्रेनिंग पे गए होंगे। देन जैसे मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, वेदर परस्यूइंग एनी हायर स्टडीज आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइड डिग्री। तो यार जस्ट ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने इनरोल नहीं किया होगा, अगर किसी ने इनरोल कर भी लिया तो जस्ट डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे नेम ऑफ डिग्री में डाल देता हूँ, जैसे BTech एंड स्पेशलाइजेशन इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एंड बोर्ड या यूनिवर्सिटी आप डाल सकते हो। जैसे यार यहाँ पे जस्ट आप, जैसे मैं BTech कर रहा हूँ या फिर BE कर रहा हूँ, जैसे कि मैं BTech कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन मेरे पास ऑप्शन शो होते हैं बहुत सारे इंजीनियरिंग के। जस्ट मैं जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करता हूँ, देन यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है इंडिया के बाहर की जितनी भी है। तो जस्ट मैं डाल देता हूँ IIT बॉम्बे। मैं यार ऐसे ही फॉर्म फिल कर रहा हूँ, आप जस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे डालें, जस्ट मंथ एंड पासिंग ईयर। जैसे कि अब अपन बात करें तो आप कौन से सेशन में पास करेंगे, जून में कर लेंगे, एंड जून 2022। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम 60% चाहिए, देन हम 90% डाल देते हैं। CGPA की अगर अपन बात करें तो कितना आ जाएगा, 9.8 CGPA डाल देते हैं। ग्रेड या क्लास फर्स्ट डिवीजन के हम फर्स्ट रहते हैं वैसे। तो यार गेट का डालना पड़ेगा, जस्ट लाइक मैं गेट कौन से साल में आपने दिया था, जस्ट लाइक मैं डाल देता हूँ 2022-21 होगा। एंड स्कोर कितना आया मेरे, 1000 आया है। रैंक कितनी आई मेरी, मेरी 50 रैंक आई है। देन मार्क्स कितने आए मेरे, मार्क्स कितना डालूँ, मार्क्स नंबर डाल दूँ, ठीक है। सब्जेक्ट कोड क्या था मेरा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देन नेक्स्ट, ठीक है। अब ये मेरे से मांग रहा है करंटली एम्प्लॉय स्टेटस, देन आई एम नॉट, देन जो है फोटो मांग रहा है, तो मैं फोटो डाल देता हूँ। तो गाइस, जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए,
जस्ट जो यहाँ पे लिखा गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट आफ्टर द 1/4/2022 का ही एक्सेप्टेड ओनली। तो जस्ट मैंने जो है फोटोस आप बिल्कुल अच्छे से अपलोड करें, एंड जस्ट जो है मैंने सारा सब कुछ फिल कर दिया है बिल्कुल ठीक ठीक आई रीड द पीजी एंड अदर 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 एक्सेप्टेड हियर फिनिश। ठीक है, कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी, ये कहाँ पे है? तो गाइस मैंने जो फॉर्म पूरा फिल कर दिया है, देन फिनिश पे क्लिक करूंगा। कास्ट सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी बता रहा है तो मैं कास्ट डालना पड़ेगा इस पे। तो इसको मैं हटा देता हूँ। फिर भी मांग रहा है तो कुछ ना कुछ अपलोड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है यार, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर गेट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो जस्ट मैंने डाल दिया कुछ भी, ये डाल देता हूँ। तो जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश। नाइस, कंफर्म। देखो यार, एक जो इरर आ रहा है, इतनी देर जब तक फॉर्म फिल किया था तब तक नहीं आया था, लेकिन अभी जो शो कर रहा है कि जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है मस्ट बिटवीन होना चाहिए 31/12/2001 से लेके 2/1990 तक, यानी कि जिन बच्चों का बर्थ है 2002 या फिर 2003 2004, वो स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर गेट जस्ट लाइक IIST PG प्रोग्राम। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 31/12/2021 से लेके 26/05/1990 तक हुई है बर्थ, देन यू आर एलिजिबल फॉर गेट एरोस्पेस। तो यार अब जो है मैं इतना पीछे कैसे जाऊं, मेरा तो बर्थ ही बाद में हुआ है। तो जस्ट जो है मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ फिर। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2001 बता रहा है, ठीक है मैं 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, दिसंबर 8। फोटो फिर सेट गया। सो यार आप लोग जो है 2-3 बार इसको 2-3 बार पढ़ लिए जरूर कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। आपने मार्क्स, रोल नंबर वगैरह, आधार कार्ड नंबर वगैरह सही से डाला तो है ना, ये आप बिल्कुल ध्यान से चेक कर ले। देन मैं जो कंफर्म कर देता हूँ, जैसे मैंने कंफर्म किया एंड फिर से जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आ चुकी है मेरे पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी ब्रांच में कौन सा एडमिशन लेना चाहते हैं, राइट। आप लोग एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे आपने डिटेल सबमिट कर दी, कैन नॉट बी डिटेड, इसके अंदर जो है करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो जस्ट मैं जो है पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ये जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, जस्ट आप जो है आपको पहले कौन सा चाहिए, यानी कि आप जस्ट आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यार ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा जो एप्लीकेशन फॉर्म था दिस इज वेरी सिंपल, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है। एंड जस्ट आई थिंक आपको सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहिए, हो सकता है आपके अगर 1-2 मार्क्स का भी इश्यू हो देन यू कैन अप्लाई नाउ। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज दैट कैन बी सिलेक्टेड इज 5, 5 ब्रांचेज जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जो है आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरे को 1 नंबर पे ये चाहिए, 2 पे ये चाहिए, 3 पे ये चाहिए, 4 पे ये चाहिए। ठीक है,
जो है ये सिर्फ जो है चार ही सेलेक्ट किए दे सक देख सकते हैं, और जो एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूंगा मैं, वो जो दो ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं SBI EPA सेलेक्ट